गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल्स विद अंजू व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपको मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग कैसा लगा? और कमेंट्स भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। अपना सजेशन बताइए कि कैसी वीडियो बन रही है। और आज है गोगा नवमी, तो गोगा नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी नहा ली हूँ और मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं बनाती हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूड़ी और गुलगुले से जोत होती है गोगा नवमी की, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि कल 2:30 हम हो गए थे मंदिर में, रात में पूजा वगैरह करते करते तो लेट सोए थे, तो ऑब्वियसली बच्चे सुबह उठेंगे नहीं, क्योंकि 6:30 उनकी बस आती है, तो इतना जल्दी तो सुबह उठ के जाएंगे नहीं। तो हमारे यहाँ हो रहा है बारिश का मौसम, देखो कितना मस्त। हमारे देखो पेड़ कितने हरे हरे पेड़ हैं, नींबू है, अमरूद है, आम है, और ये नारियल के तो बहुत सारे लगा रखे हैं यहाँ पे। और कुछ ये वैसे पेड़ थे हाइबिस्कस वाले, वो कट कर दिए हैं कि बारिश में ज़्यादा फैल गए थे यहाँ पे। और ये है हमारा सोसाइटी का कुछ नज़ारा, देखो इतनी हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि बारिश भी इतनी है, बहुत ज़्यादा बारिश रहती है यहाँ पे। अब यूँ देख लो, कल दोपहर 2 बजे से कंटिन्यूसली बारिश है, कंटिन्यूस। बस रात में जब हम घर आए थे ना मंदिर से, तब 20 मिनट के लिए बारिश रुकी थी, नहीं तो कंटिन्यूसली। और अभी तो ये रिमझिम हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ सुबह से। और ये है मेरा, हमारे वो क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट ही बोलते हैं ना, बड़े पत्ते वाली मनी प्लांट। ये पानी में नहीं चलती, ये मिट्टी में ही लगती है, तो मैंने इस गमले में मेरे तुलसी थी, ये देखो इसका प्रिंट रेट बता रखा है 140 ये पोट। तो मेरी तुलसी थी, वो जल गई थी जब हम घर गांव में गए थे, तो मैंने अभी इसमें ये लगा दिया मनी प्लांट। और अभी मैं करती हूँ खाने की तैयारी, लाइट गई हुई थी तो मैंने अंदर शूट नहीं किया, क्योंकि अंदर अंधेरा आ रहा था। अभी लाइट आ गई, फैन चल रहा है। और ये देखो कपड़े, उधर की बालकनी में भी कपड़े, यहाँ भी कपड़े, अंदर भी कपड़े, सारे कपड़े हो रहे, सूखते ही नहीं है, क्या करें इतनी बारिश है। तो चलो अभी मैं बनाती हूँ गुलगुले, लेट्स गो। हाँ, काफ़ी बोलते हैं कि आप इन बोतलों में पानी क्यों रखते हो, तो इनमें पानी मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि 20 लीटर की जो बिस्लेरी है उतना मैं ला सकती हूँ, क्योंकि मैं वज़न इतना उठा नहीं सकती, तो 2-2 लीटर की में भर के लाते हैं आरओ प्लांट से और हम अपना इसी में यूज कर लेते हैं। और ये मैंने कर दिया है गुड़ का घोल तैयार, गुड़ के बनाऊँगी आज मैं, चीनी नहीं डालूँगी, गुड़ के बनाऊँगी। गुड़ का घोल बना दिया है मैंने, अब इसमें मैं डालूंगी आटा और इसके बनाऊंगी गुलगुले। तो चलो आपको साथ रखते हुए करते हैं तैयारी। तो ये जी मैंने बना लिया है घोल गुड़ और आटे का, उससे मैं बनाऊंगी अभी गुलगुले। और ये मैंने थोड़े जोत के गुलगुले बना लिए थे, और बाकी वो बनाऊंगी, वो मैंने दिखाया नहीं था, बस थोड़ा कुछ दिखाया था। और अभी मैं जोत करूंगी, कि हमारे जोत होती है और जो तवे की कालस होती है उससे हमारे बनाते हैं गोगा, और पेड़ का भी तोड़ के रखते हैं, तो पेड़ का मेरे पास यहाँ पे था नहीं, तो मैंने कालस से बना लिया, काजल से। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोगा, हमारे ऐसे बनाते हैं, आपके कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा बनाया वो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। तो ये मैं अभी गोगा बना रही हूँ, फिर हमारे जोत होती है, तो जो जन्माष्टमी का हम फास्ट रखते हैं वो हम गोगा जी की जोत करके ही खोलते हैं, और गुलगुले पूड़ी इनसे हमारे जोत होती है, गुलगुले से कर दो चाहे पूड़ी भी ले लो साथ, मतलब कढ़ाई होती है। तो ये मैं गोगा बना रही हूँ, और ये गोगा बना के जोत करके फिर मैं फास्ट खोलूँगी। रात में हम अनाज नहीं खाते, हम फ्रूट वगैरह ही खा के व्रत खोल लेते हैं, चरणामृत चर उससे, फिर खाना हम ये जोत करके खाते हैं। और ये मेरी बेटी बना बोल रही थी कि मम्मा मोर बना दिया, क्या बना दिया, क्या बनता है ये, मगर इतना मुझे भी नहीं पता, घोड़ा बनता है, मोर बनता है, लेकिन ऐसा कुछ कबूतर सा पक्षी सा बनता है बीच में, वो मैंने बना दिया। और अभी मैं करूँगी जोत, सारी मेरी तैयारी हो गई है, मैंने जोत भी रख ली है, जल भी रख लिया है, और गुलगुले भी रख लिए, वो बना भी लिया गोगा जी, और अभी मैं जोत करूँगी। तो आप सब भी ले लो मेरे साथ में गोगा जी की जोत, और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे गोगा जी। हे गोगा जी, सभी को आशीर्वाद देना, सभी की मनोकामना पूरी करना। और मैं तो बस यही मांगती हूँ कि मेरे घर परिवार को स्वस्थ रखे, सद्बुद्धि दे, अच्छे से रखे सबको, बच्चों को सद्बुद्धि दे, बस मैं आप सब के लिए भी यही मांगती हूँ। और आप सभी को गोगा जी की
जोत मिल रही है तो आप भी ले लीजिए। ये मेरी बेटी जोत लेते हुए आप सब भी ले लीजिए, आप सबके सामने है। भगवान जी आप सबका भला करे, आपके परिवार में, आपके लाइफ में, सब में हंसी खुशी ऐसे हर त्यौहार आते रहें। और ये मेरी छोटी बेटी, बच्चे सारे जोत ले रहे हैं। और अभी मैंने थोड़े बनाए थे जोत जोत के, क्योंकि बच्चे खाएंगे तब गरम गरम बना दूंगी, ठंडे फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। थोड़े ये गुलगुले बनाऊंगी, फिर सब्जी पूड़ी बनाऊंगी, थोड़े चिल्ले बनाऊंगी, शाम के टाइम चिल्ले बना के दे दूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक दो खाते हैं, कि ये तीखे तो खा लेते हैं, मीठा कम खाते। और फिर ये हमने बनाई है एक रील, इसको हम एडिट करके डालेंगे, तो आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छी रील है, कॉमेडी की है। और कैसा लगते हैं आपको व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 से करना, ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। तो इससे आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि ये हमने मतलब बना ली है पूरी रील, लेकिन कट वट करके इसको एडिट करेंगे फिर डालेंगे। तो आप इसको ज़रूर देखना, ज़रूर ज़रूर देखना, न भूलें। आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।